हेलो दोस्तों, आपका योगेश एकेडमी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंद्रपुर के बारे में। आपको इस वीडियो में इस कॉलेज से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो गाइस प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना। जैसे कि और भी महाराष्ट्र में गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो हर एक गवर्नमेंट कॉलेज का रिव्यू आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पर आपको छोटा सा एक ओवरव्यू देता हूँ इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं इस कॉलेज से रिलेटेड। सबसे पहले हम देखेंगे इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉलेज, जिसमें आपको कॉलेज की रैंक, कॉलेज का ग्रेड, कॉलेज का लोकेशन, एस्टैब्लिशमेंट वगैरह के बारे में आपको पता चल जाएगा। सेकेंड हम देख लेंगे डिपार्टमेंट एंड सीट मैट्रिक्स के बारे में, कॉलेज में कितनी ब्रांचेस है, हर एक ब्रांच में कितनी इंटेक कैपेसिटी है, कॉलेज में कौन सी डिग्री प्रोवाइड करता है, ये भी देख लेंगे। थर्ड नंबर हमारा सबसे मेन पार्ट आता है कॉलेज का कट ऑफ, तो हम हर एक कैटेगरी के हिसाब से सेपरेट कट ऑफ देख लेंगे, ताकि एक आपको भी आइडिया जाए कि आपके परसेंटाइल के हिसाब से, आपकी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर आपको कौन सी ब्रांच मिल रही है। सेम उसी तरह हम कॉलेज का फीस भी देख लेंगे हर एक कैटेगरी के हिसाब से। पाँचवें नंबर पर आता है हॉस्टल के बारे में, देख लेंगे इंटेक कैपेसिटी क्या, फीस वगैरह क्या है। छठे नंबर पर हमारा सबसे मेन पार्ट आता है कॉलेज का प्लेसमेंट रिपोर्ट, तो अकेडमिक ईयर के हिसाब से देख लेंगे कॉलेज में हर ब्रांच में कितना परसेंट प्लेसमेंट होता है, कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है, हाईएस्ट पैकेज क्या रहता है और एवरेज पैकेज क्या रहता है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमें कॉलेज की इमेज और कॉलेज का लोगो दिया गया है। एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करेंगे तो कॉलेज हमारा 1996 में एस्टैब्लिश हुआ था, तो लगभग आज से इस कॉलेज को कम्प्लीट 27-28 ईयर्स हो चुके हैं। इंस्टीट्यूट नेम के बारे में बात करेंगे तो हमारे कॉलेज का जो पूरा नाम है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंद्रपुर है। लोकेशन के बारे में बात करेंगे तो कॉलेज हमारा बलसरा बाईपास रोड चंद्रपुर 4,42,403 में आ जाता है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए। अब हम स्टेटस के बारे में देखेंगे तो कॉलेज हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है, जो कि नॉन ऑटोनोमस कॉलेज है, अप्रूव्ड बाय AICTE न्यू दिल्ली से, रिकग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से, एंड अफिलेटेड बाय गोंडवा यूनिवर्सिटी से। और इस कॉलेज को महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से ए ग्रेड मिला हुआ है। अगर आपको इस कॉलेज से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हो, जो कि यहाँ मेंशन की गई है www.gcoec.ac.in। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। कॉलेज से नियरेस्ट एयरपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो हमारा नागपुर का, जो कि 150 किलोमीटर के आसपास है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हमारा चंद्रपुर है, जो कि 7 किलोमीटर के आसपास है। नियरेस्ट बस स्टैंड भी हमारा चंद्रपुर है, जो कि 4 किलोमीटर के आसपास है। कॉलेज का DT कोड 4004 है, जिसे हम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज कोड भी कहते हैं। अब हम कोर्सेज के बारे में बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉलेज हमें BTech और MTech की डिग्री प्रोवाइड करता है। BTech में हमें यहाँ पे 6 ब्रांचेस देखने मिल जाती है और MTech में यहाँ पे 2 ब्रांचेस देखने मिल जाती है। और यहाँ पे देख सकते हो BTech में हमें यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग मिल जाता है, जिसमें 60 की कैपेसिटी है। फिर बाद में आपका कंप्यूटर साइंस मिल जाता है, जिसमें 60 की कैपेसिटी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन मिल जाता है, जिसमें 60 की कैपेसिटी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाता है, जिसमें 60 की कैपेसिटी है। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग मिल जाता है, जिसमें 30 की कैपेसिटी है। और आपका मैकेनिकल मिल जाता है, जिसमें 60 की कैपेसिटी है। तो टोटल इंटेक कैपेसिटी देख सकते हो आपकी 330 की है। तो शायद से इसमें से एक ब्रांच बंद हो चुकी है अभी, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। बाकी आपकी 5 ब्रांचेस हैं, तो 3 यहाँ पे आपकी कोर ब्रांचेस और 2 आपकी टेक ब्रांचेस, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और आपका कंप्यूटर ENTC। और यहाँ पे आप देख सकते हो एमटेक में हमें यहाँ पे 2 ब्रांचेस मिल जाती है, एक हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है और सेकेंड हमारा मशीन डिजाइन है, मतलब मैकेनिकल डिजाइन है। इंटेक कैपेसिटी देख सकते हो 18-18 की है, तो टोटल एमटेक में 36 सीटें मिल जाती है और बीटेक में हमें यहाँ पे 300 सीटें देखने मिल जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रांच नहीं है इस साल से। फिर हमारा सबसे मेन पार्ट आता है कॉलेज का कट ऑफ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमें लास्ट ईयर का कट ऑफ दिया गया है हर एक कैटेगरी के हिसाब से। तो यहाँ पे हमारा मेन 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है, एक हमारा जर्नल सीट हो जाता है, सेकेंड हमारा स्टेट लेवल की सीट हो जाता है। तो आप देख सकते हो स्टेट लेवल की सीट में हमारा EWS आता है, TOWS आता है और जर्नल सीट में हमारा ओपन OBC, VJDT, NT 1-2-3, OBC, बाद में SC ST ये सब कैटेगरी आती है। तो इनमें भी 2 और भाग में डिवाइड है, आपका एक होम यूनिवर्सिटी, दूसरा अदर देन होम यूनिवर्सिटी है। होम यूनिवर्सिटी मतलब ये कॉलेज की जो यूनिवर्सिटी है, ये कॉलेज हमारा गोंडवा यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है। अगर आपका 12th बोर्ड गोंडवा यूनिवर्सिटी से हुआ है तो आप यहाँ पे H का कट ऑफ देखोगे होम यूनिवर्सिटी का। अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, जैसे कि आपका नागपुर हो गया, पुणे हो गया, मुंबई हो गया, तो आप यहाँ पे अदर देन का कट ऑफ देखोगे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आपका सिविल में 2 भाग में डिवाइड है कट ऑफ, कंप्यूटर का भी यहाँ पे 2 भाग में डिवाइड है, एक आपका होम, दूसरा आपका अदर देन। इलेक्ट्रिकल में भी सेम उसी तरह यहाँ पे डिवाइड है। तो हम यहाँ पे कट ऑफ देख लेते हैं अभी। तो सबसे पहले हम सिविल डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप ओपन OBC, VJDT, NT 1-2-3 इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हो। होम यूनिवर्सिटी का 22% दिया गया है ओपन का, OBC का 5% है, VJDT का यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, NT 1 का 14% है, NT 2 का 75% है, NT 3 का भी यहाँ पे नहीं दिया गया है, SC का डिग्री 4.2% है। सेम उसी तरह आप देख सकते हो अदर देन का कट ऑफ, तो ओपन का यहाँ पे 43% लिया था, OBC का 25% था, VJDT का 38% था, NT 1 का 43 था, NT 2 का यहाँ पे 20 था। बाकी भी आप देख सकते हो यहाँ पे SC कैटेगरी 20% और ST के लिए यहाँ पे 9% है।
सेम उसी तरह आप कंप्यूटर का भी यहाँ पे देख सकते हो। तो जो यहाँ पे होम स्टडी का कट ऑफ है आप देख सकते हो, ओपन के लिए 85% आए और अदर देन के लिए 90% आए। तो मतलब जो बाहर की यूनिवर्सिटी से इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं आके, उनके लिए यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा लगता है। सीएस का आप देख सकते हो सीधा सीधा आपको 5% का डिफरेंस देखने मिल जाता है। तो उसी तरह आप कोर ब्रांचेस का देखोगे, जैसे कि सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल का, तो इसमें आपको 20-30% का भी डिफरेंस देखने मिल जा रहा है। अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से आ रहे हो इस कॉलेज में एडमिशन लेने, तो आपको थोड़ा यहाँ पे परसेंटाइल ज़्यादा लगेगा, मतलब 5% देख सकते हो आप यहाँ पे। सीएस का मतलब अगर आप गोंडा यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे थोड़ा कम परसेंटाइल लगेंगे। बाकी आप देख सकते हो स्टेट लेवल की भी यहाँ पे सीट दी गई है हमारी ईडब्ल्यूएस और टीएडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो 10% रिजर्वेशन होता है और टीएडब्ल्यूएस के लिए हमारा 5% रिजर्वेशन होता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सिविल के लिए सीट वैकेंट थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, मतलब कैटेगरी के स्टूडेंट ने यहाँ पे एडमिशन नहीं लिया था, एक सीट खाली थी। टोटल 6 सीट रखती है तो 5 सीट बुक हो गई थी, 1 सीट खाली थी यहाँ पे। टीएडब्ल्यूएस का भी आप देख सकते हो 37% गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्यूटर का यहाँ पे 81% गया, ईडब्ल्यूएस का टीएडब्ल्यूएस के लिए 87 गया। बाकी ब्रांचेस का भी आप देख सकते हो, तो यहाँ पे सिर्फ सीएस का थोड़ा ज़्यादा है, मतलब 80-90 के आसपास है। बाकी हर ब्रांच का यहाँ पे कट ऑफ कम है, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है और इस कॉलेज की जो फीस वगैरह भी है काफ़ी कम है, तो प्लेसमेंट अभी उतना अच्छा नहीं है इस कॉलेज में, एवरेज ही प्लेसमेंट है। तो एवरेज आपका यहाँ पे 3-4 तक मिल जाता है। तो अगर आपको कोई और अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है सेम ही परसेंटाइल पे, पर आप वहाँ पे अगर फीस भर पाते हो, क्योंकि इस कॉलेज में फीस कम है और आप उतनी फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो कोई भी प्राइवेट कॉलेज में, तो फिर आपके लिए एकदम बेस्ट कॉलेज रहेगा ये कॉलेज, क्योंकि यहाँ पे आपके कम परसेंटाइल में भी अच्छी ब्रांच मिल जाएगी। और आप यहाँ पे देख ही सकते हो आपकी फीस वगैरह भी कम है, हॉस्टल का भी चार्ज कम है, तो ओवरऑल तो एवरेज कॉलेज है। अब यहाँ पे हम फीस भी देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कॉलेज की जो ट्यूशन फीस है यहाँ पे 15,000 दी गई है, कॉलेज की डेवलपमेंट फीस 5,000 है, यूनिवर्सिटी एंड जो अदर फीस है यहाँ पे 5,295 रुपीज़ है, जो आपकी टोटल फीस होती है 25,000 होती है। सेम उसी तरह आप हर एक कैटेगरी का फीस देख सकते हो, तो ओपन के लिए 25,000 है, एस सी एस टी के लिए यहाँ पे 17,000 है, वी जे डी टी एन टी 1, 2, 3, ओ बी सी एस बी सी की फीस यहाँ पे 6,000 दी गई है, फिर बाद में आपका ई बी सी हो गया, एस सी बी सी, ई डब्ल्यू एस की फीस यहाँ पे 17,000 है, और आपका टी आर डब्ल्यू एस की फीस आपका यहाँ पे 10,000 दी गई है। तो फीस तो ओवरऑल देखोगे काफ़ी कम है, मतलब बहुत कम है इस कॉलेज में, फीस 25 के आसपास है। तो इस कॉलेज का जो हॉस्टल का चार्ज है वो भी कम रहने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हॉस्टल की इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो इस कॉलेज में हमें गर्ल्स बॉयज़ दोनों हॉस्टल मिल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो बॉयज़ हॉस्टल है यहाँ पे आप देख सकते हो 3100 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है, और जो हमारा गर्ल्स हॉस्टल है यहाँ पे आप देख सकते हो 2900 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। इंटेक कैपेसिटी भी आप देख सकते हो यहाँ पे 176 की है यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल की, गर्ल्स के लिए यहाँ पे 156 की है। टोटल रूम में आपको 88 देखने मिल जाते हैं बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए यहाँ पे 80 रूम्स देखने मिल जाते हैं। फैसिलिटीज़ भी आप देख सकते हो सेम ही रहेगा, मेस वगैरह मिल जाता है आपको, कॉमन रूम वगैरह वो सब मिल जाता है। यहाँ पे हम फीस देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो पूरे एक साल का फीस भी यहाँ पे पूरा बताया गया है, और आपका एक सेमेस्टर का भी यहाँ पे पूरा बताया गया है। तो यहाँ पे जो आपको एडमिशन मिलता है वो आपके मेरिट के बेस पे मिलता है, और यहाँ पे बहुत कम सीटें रहती हैं। अगर आपका मेरिट में नंबर आता है तो ठीक है, वरना आपको कॉलेज के बाहर यहाँ पे हॉस्टल लेना पड़ेगा। मतलब पर ब्रांच के हिसाब से टोटल 5 या 6 सीटें होती है, वरना 9 या 10 सीटें रहती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका CMD है आपका 500 रुपीज़ है पूरे साल के लिए। बाकी आप रेंट भी देख सकते हो, रूम का रेंट यहाँ पे आपका 830 रुपीज़ है, जो पूरे साल के लिए आप देख सकते हो 9,960 रुपीज़ हो जाता है। तो उसी तरह बाकी आप भी बाकी फैसिलिटीज़ भी आप देख सकते हो उनका चार्जेस क्या क्या है यहाँ पे। इलेक्ट्रिसिटी बिल देख सकते हो, मेडिकल चार्जेस देख सकते हो, हेल्थ के लिए देख सकते हो। जो आपके यहाँ पे टोटल 1 ईयर की फ़ीस होती है 12,000 होती है, और जो पूरे एक सेमेस्टर की फ़ीस है यहाँ पे आपकी 7,200 रुपीज़ है। अब हम कॉलेज का प्लेसमेंट रिपोर्ट देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एकेडमिक ईयर के हिसाब से लास्ट 5 ईयर का डेटा दिया गया है यहाँ पे, हर एक ब्रांच में कितना परसेंट प्लेसमेंट होता है, मतलब कितने बच्चों का प्लेसमेंट होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2018 का दिया गया, 2019, 2020, 2021 और 22 का दिया है। 2023 की बैच का हो चुका है प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ, लेकिन अभी तक यहाँ पे अपडेट नहीं आया है। पूरे प्लेसमेंट रिपोर्ट का अभी तक कंप्लीट अपडेट नहीं मिला, क्योंकि इनका भी पेपर वगैरह बाकी है, 1-2 महीना अभी और चलेगा। यहाँ पे हम ब्रांच वाइज देख लेते हैं कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीएस का देख लेते हैं। तो 18 में यहाँ पे 5 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, 19 में 20 बच्चों का हुआ था, 20 में यहाँ पे 10 बच्चों का हुआ था, और यहाँ पे 2021 में 34 बच्चों का हुआ था, 2022 में यहाँ पे 39 बच्चों का हुआ है। सेम ENTC डिपार्टमेंट का भी आप देख सकते हो, 18 में 10 बच्चों का हुआ था, 19 में 9 बच्चों का हुआ था, 20 में 21 बच्चों का हुआ था, 2021 में यहाँ पे 9 बच्चों का हुआ था, 2022 में यहाँ पे 34 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था। बस यहाँ पे आप देख सकते हो सिविल की थोड़ी हालत ख़राब लग रही है, 18 में 1 भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ था, 19 में भी नहीं हुआ था, 20 में भी नहीं हुआ था, 2021 में सिर्फ 2 बच्चों का हुआ था, 2022 में भी सेम ही था 0% प्लेसमेंट। बाकी आप मैकेनिकल का भी देख सकते हो, उनका भी काफ़ी सही है, इलेक्ट्रिकल का भी सही है, और यहाँ पे ब्रांच तो बंद हो गई है। और इस कॉलेज का जो हाईएस्ट पैकेज देखोगे 12 LPA, मतलब और भी कंपनी आई थी इस कॉलेज में 8 लाख के लिए, 6 लाख के लिए,
रात में आपका 5 लाख के लिए। इस कॉलेज का जो एवरेज पैकेज है अभी तक का यहाँ पे 3 लाख थे, धीरे धीरे इंक्रीज होगा कॉलेज का प्लेसमेंट वगैरह। अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो एक एवरेज कॉलेज है, ऊपर से गवर्नमेंट कॉलेज है और इस कॉलेज की फीस वगैरह कम है। अगर आप कोई भी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। हॉस्टल का भी चार्ज यहाँ पे कम है और आपकी अकेडमिक ईयर का फीस भी यहाँ पे कम है, तो बस इस कॉलेज में फीस कम है। बाकी जिस कॉलेज का कट ऑफ भी मतलब थोड़ा एवरेज है, 80-90 के आसपास है और प्लेसमेंट अभी उतना अच्छा नहीं है, मतलब देख सकते हो आपका बेसिक प्लेसमेंट हो रहा है एक एवरेज कॉलेज के जैसा। 12 LPA हाईएस्ट पैकेज गया, एवरेज आपका 3 LPA गया है। और जो मतलब मोस्टली कंपनी आ रही है आपके यहाँ पे देख सकते हो 5 लाख के लिए, 6 लाख की है या 3 के लिए आ रही है, और भी कंपनी कम भी आ रही है 1.44 LPA की आ रही है यहाँ पे। बाकी देख सकते हो सिविल की तो हालत काफ़ी ख़राब है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल को थोड़ा प्लेसमेंट मिल जा रहा है, बाकी CS और IT को यहाँ पे प्लेसमेंट है। तो ओवरऑल देखेंगे तो अच्छा कॉलेज है, अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आप ले सकते हो। अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट है इस कॉलेज से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट कौन से कॉलेज का रिव्यू वो भी कमेंट करके बता देना। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।